हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइज, आईपीएल 2020 का मैच नंबर 24 हमें खेलते हुए देखने को मिलेगा। कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम के बीच में शारजा में हमें मैच देखने को मिलने वाला है। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हमें मैच देखने को मिलेगा। तो इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को आप देखना बिल्कुल लास्ट तक। उसके साथ ही अगर आप लोग इस चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को ज़रूर कीजिए सब्सक्राइब और आप उस नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कीजिए जिससे मेरी वीडियोज़ की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इसके साथ ही कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बताइए कि आपके हिसाब से इस मुकाबले को कौन सी टीम जीतने वाली है, आरसीबी या फिर केकेआर में से कौन सी टीम को आप लोग इस बड़े मुकाबले में सपोर्ट करने वाले हो। तो गाइज, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स, इन दोनों ही बड़ी टीमों की बात की जाए तो दोनों ने ही 6-6 मुकाबले खेले हैं। 6 में से 4 मैचेस जीते हैं और 2 मैचेस हारे हैं। तो ऐसे में काफी ज्यादा बराबरी की हमें टक्कर देखने को मिलने वाली है। हालांकि पॉइंट्स में तो दोनों ही टीमें बिल्कुल बराबरी पर चल रही हैं, लेकिन अगर हम बात करें नेट रन रेट की तो यहां पर कोलकाता नाइट राइडर्स यानी कि केकेआर की टीम आरसीबी की टीम के ऊपर भारी पड़ते हुए नजर आ रही है, क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर्स का नेट रन रेट है +1.488 का। वहीं अगर हम बात करें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के नेट रन रेट की तो इस टीम का नेट रन रेट चल रहा है -0.820 का। तो ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पर विराट कोहली की टीम अपना नेट रन रेट अच्छा करना चाहेगी ताकि जो लीग के बाकी मैचेस हैं उनमें अगर इसकी जरूरत पड़ती है तो इसमें वो कहीं पीछे ना रह जाएं। अब अगर हम बात करें शारजा की पिच रिपोर्ट की तो यहां पर पहले बल्लेबाजी करना ही ज्यादा फेवरेबल है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि चेस करना काफी मुश्किल है। हालांकि जो पहले मैचेस खेले गए थे उसमें शारजा के ऊपर चेस भी हुआ है। हमने देखा है कि जब तक इस पिच के ऊपर लास्ट बॉल नहीं फेंकी जाती तब तक मैच का नतीजा बता पाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन क्योंकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम अभी तक चेस करने में काफी बुरी तरीके से फ्लॉप रही है, तो ऐसे में पहले बैटिंग करके वो स्कोरबोर्ड के ऊपर बड़ा स्कोर लगाना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं उन 3 बड़ी और अच्छी अपडेट्स की जो कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए निकल कर आई हैं, या फिर वो चेंजेस जो हमें बड़े मुकाबले से पहले हमें देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले अच्छी चीज जो आरसीबी के लिए निकल कर आई है वो है क्रिस मॉरिस का इंक्लूजन आखिरी मुकाबले में। क्रिस मॉरिस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम से जुड़ गए थे और उनके आने से बॉलिंग में अब हमें नया पहनापन नजर आ रहा है, क्योंकि मॉरिस ने इस टीम को आगे से लीड किया। उसके बाद नवदीप सैनी भी फॉर्म में आ गए। स्पिन डिपार्टमेंट पे यूजी चहल और उनके साथी वॉशिंग कटक सुंदर पहले मुकाबले से ही अपना कमाल दिखा रहे हैं और अब इस रू उड़ाना भी लय मारते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में आरसीबी के लिए काफी अच्छी यहां पर खबर निकल कर आ रही है। दूसरी बड़ी चीज जो आरसीबी इस मुकाबले से पहले कर सकती है वो है एरन फिंच की जगह जॉस फिलिपे का इंक्लूजन, क्योंकि इससे उन्हें होने वाले हैं 2 फायदे। पहली बात तो ये है कि एरन फिंच हमें फिलहाल फॉर्म में नजर नहीं आ रहे, वो काफी ज्यादा बॉल स्टार्टिंग में ही वेस्ट कर देते हैं जिससे कि विराट कोहली और देवदत्त पार्टिकल के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर आता है। और दूसरी चीज है कि उनके बाहर जाने से जॉस फिलिपे टीम में आ जाएंगे जो कि एक विकेटकीपर भी हैं। तो ऐसे में एबी डिविलियर्स जिनको कि विकेटकीपिंग और बल्लेबाजी के प्रेशर की वजह से डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो रही है, वो भी अब इस टीम से यहां पर एज अ विकेटकीपर नहीं बल्कि एज अ बल्लेबाज ही खेल सकते हैं ताकि उनकी बैटिंग यहां पर अफेक्ट ना हो। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि क्या एरन फिंच की जगह जॉस फिलिपे की एंट्री होनी चाहिए टीम में या फिर नहीं। इसके साथ ही तीसरी बड़ी चीज जो लास्ट मैच में हमने देखी थी वो थी विराट कोहली की फॉर्म। दरअसल राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ भी कैप्टन कोहली ने मैच विनिंग नॉक खेला था जहां पर उन्होंने 53 बॉल पर 72 रन की पारी खेली थी, लेकिन वो पारी ऐसी थी कि वहां पर हमें किंग कोहली का वो परफॉर्मेंस नजर नहीं आया था जो कि हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं। बॉल को वो मिडिल नहीं कर पा रहे थे लेकिन उसके बाद भी उन्होंने उस मौके को भुनाया था, लेकिन जो आखिरी मैच था उसमें हमें असली किंग कोहली देखने को मिला जहां पर उनकी पुरानी वाली फॉर्म पूरी तरीके से वापस आ गई। जिस तरह से फ्लिक पर हमने छक्का देखा, उसके साथ ही एबी डिविलियर्स वाला शॉट भी देखा, उसके साथ ही डाउन द ग्राउंड आकर उन्होंने बाउंड्री के पार गेंदू को कराया, 85 मीटर की बाउंड्री थी। तो ऐसे में विराट कोहली की फॉर्म पूरी तरीके से वापस आ चुकी है। तो ये था इस वीडियो में, आप लोग कमेंट करके बताइए आपके हिसाब से कौन सी टीम इस मैच को जीतने वाली है। इसके साथ ही वीडियो को जरूर कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तो मैं मिलता हूं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।